जी गाइस, सब चलते हैं हम नीचे अपना घुर्नाचाड़ी और शातलाई वाली मंदिर में उठाने के लिए। तो चलो चलते हैं गाइस। हाँ जी गाइस, ये है बाबा जी का घूर्णाचारी मंदिर। तो अब चलते हैं अंदर और मठा टेक लेते हैं। जय बाबे की। तो हाँ जी गाइस, चलते हैं अंदर और मठा टेक लेते हैं। तो कोविड के कारण ज़्यादा भीड़ तो नहीं है और पुलिस भी ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होने दे रही है, तो फटाफट मठा टेक लेते हैं हम। ये हाँ जी गाइस, बाबा जी का थोड़ा मठा टेक लेते हैं। जय बाबा जी की। ये तो होना चल रहा है बाबा जी का, तिलक लगा। तो हाँ जी गाइस, अब हम आ गए शातलाई मंदिर। यहाँ बाबा जी ने 12 साल तपस्या करी थी एक पेड़ के नीचे बैठकर, अभी भूख के प्यासे। और जब रत्नो माई उन्हें लस्सी और रोटी देने आते थे तो वो सारा छुपा देते थे, तो उन्होंने 12 साल के बाद उन्हें दिखाया था कि ये रे माई आपकी लस्सी और रोटी, कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो चलो गाइस, आपको अंदर से दिखाता हूँ पूरा मंदिर। ये रे बाबा जी और सब चलते हैं अंदर। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई अपनी छोटे उमस ने के लिए। जय बाबे जी, जय बाबे जी। तो जी गए मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो ये रहा बाबा जी का धुना चल रहा, बाबा जी का। जय बाबे जी। तो जी गए, ये वही काफी सदी पुराना पेड़ है जहाँ बाबा जी ने इसके नीचे बैठ के तपस्या करी थी। ये पूरा ये वही पुराना पेड़ है, काफी पुराना है, इसकी काफी लटाई निकल रही है इसकी। जय बाबे की। जय पूरा हरी, जय दुदा पानी। तो ये काफी अच्छा मंदिर यहाँ से अंदर से पूरा सजा रखा है। जय बाबे की। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो रोटी वाला, तो यहाँ काफ़ी अच्छा एक छोटा सा मॉडल बना रखा है। तो ये दी रतनो माई की मूर्ति और इस साइड बाबा बालकनाथ जी की भी मूर्ति है। और ये पूरे पेड़ का दिखा रखा है, पूरी रोटी का, पूरे 12 साल की रोटियाँ बाबा जी ने चिमटे से पूरा अपना पेड़ के अंदर गाड़ कर सारी रोटियाँ दिखा दी थी कि माई मैंने तो आपकी एक रोटी भी नहीं खाई। ये काफ़ी अच्छा मॉडल बना रखा है। यहाँ भोलेनाथ का मंदिर भी है। अच्छा बाबा, छोटी सी गुफा है आप पूरी। दी महाराज, तो लॉकडाउन कर यहाँ पे ज्यादा पास नहीं जाने दे रहे हैं, सारा बंद ही कर रखा है जी गाइस। सारी मंदिर मठ टेक लिया, अब हम बस खाना खाएंगे अपना जी गाइस। तो अभी रोटी खा रहे हैं सारे जने, तो इसके बाद जाएंगे अपना शिव पौड़ी जाएंगे, वहां से नहाकर अपना फिर हम चल जाएंगे स्टेशन। तो हाँ जी गाइस, अभी शिव पौड़ी पर जाना तो हो गया है कैंसिल, क्योंकि हमारी है 3 बजे की ट्रेन, तो अभी वहां जाने में भी टाइम लगेगा स्टेशन पे, तो अभी तो कैंसिल कर दिया है। तो चलो कोई नहीं, फिर कभी चलेंगे। तो बस अभी फटाफट जा रहे हैं हम स्टेशन। तो हाँ जी गाइस, अभी यहाँ रुके थे जो ड्राइवर अंकल वगैरह, यहाँ से काफी अच्छा व्यू आता है। तो किसी ने फोटो फोटो खिंचवानी है तो अपना खिंचवा सकते हैं। यहाँ सारे हमारे आ गए, जितने यंगस्टर है सारे आ गए, हमारे चाची भी आ गए। ये हमारे गोगरी, अब सारे फोटो खींचने के लिए तैयार हो गए। व्यू तो सच में काफी अच्छा है। कार में बैठे बैठे भी पागल हो गए। चलो थोड़ी फोटो शूट वगैरह करा लेते हैं। हवा चल रही है एक नंबर, फटाफट कराते हैं फोटो शूट। तो हाँ जी गाइस, हम स्टेशन तो आ गए हैं। तो हमारी 3 बजे वाली ट्रेन थी वो तो मिस हो गई, तो बैठे हैं अब रात की 9 बजे की ट्रेन।
तो पूरा स्टेशन लगभग खाली पड़ा है, पर काफी अच्छा व्यू है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। तो हम तो बोर हो गए हैं बैठे बैठे, थोड़ा घूम भी आए, फिर भी कहाँ घूमे, इतना कुछ ज्यादा आसपास है भी ना बड़ी मार्केट। तो अभी तो बस बैठे हैं चेयर पर आराम से चौकड़ी मारकर, क्या कर सकते हैं। और ये रहा हमारा कारी, और बाकी पापा जी और वहां बैठे, नींद भी आ रही है अब तो, मैं ढंग से सो ही नहीं पाया, रात को भी नहीं सोया था, अब भी नहीं सो पाया, तो घर जाकर ही सोना होगा। तो देखते हैं अभी तो क्या टाइम हुआ है, अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं, अभी तो 3 घंटे और वेट करना है। चलो क्या कर सकते हैं। तो जी गाइस, दीदी और चाची तो नहाए और ताई जी सोते रह गए थे, ताई जी को पता ही नहीं चला। देखो इनके बाल देखो, घोसला हो रहा है विदाउट ऑयल, चाची जी ने सेट कर लिए पूरे। एक्सपीरियंस है वो, ये नॉन एक्सपीरियंस बंदे। और यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रूनो भी मिला है, ये देखो। ओए यार, रोटी पड़ी है, वो रोटी नहीं खा रहे, ये लकड़ी को चबा रहा है, ये भी ब्रूनो का भाई है, ये भी ब्रूनो भी बहुत काटता है, ये भी बहुत काटता है। तो अभी फूफा जी तो गए हैं खाना लेने। शर्म क्या, कैमरा वीडियो में बाल अब सेट कर रहे हैं। अब ये मतलब कह रहे की वीडियो में अच्छी दिखूंगी इसलिए ये सेट कर रहे हैं बाल। मतलब ये कैसे बनते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करते। तो अभी खाना आएगा फिर खाना खाएंगे, बारिश भी आने लग रही है थोड़ी थोड़ी, कड़ियाँ दिखी नहीं रही कड़ियाँ। देखिए बढ़िया एकदम अच्छा व्यू है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, यहाँ भी काफी अच्छे अच्छे पेड़ है। तो अंजी का अब शाम के 7:30 हो गए हैं और काफी अच्छा वेदर हो गया, ठंडा ठंडा और हल्का ना पीला पीला सा वेदर हो गया है। देखिए अच्छा है ज्यादा, यहाँ पे सफाई भी काफी है, तो मच्छर भी ज्यादा नहीं लग रहे हैं, तो काफी अच्छा वेदर है। तो हमारी ट्रेन अब आएगी 8:30 बजे तक लग जाएगी प्लेटफॉर्म पे, तो फिर हम ना बैठ जाएंगे उसके अंदर, अभी अंधेरा भी होने वाला है। तो अंजी गाइस, फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है और सब बैठ चुके हैं। पापा जी ऊपर लेट गए हैं, फुफड़ जी वहां लेट गए हैं, वो जिन्होंने पर्ना डाल रखा है, और सब आराम से बैठ चुके हैं। अब मैं भी यहाँ ऊपर लेट जाता हूँ, यहाँ खाली पड़ा है। तो अंजी गाइस, अभी एक बहुत अच्छी कलोल हुई, जहाँ अंजी जी लेट रखी है ना, यहाँ पर मैं लेट रखा था, तो गोगा दीदी आई कही कि हर्ष ऊपर लेट गया, यहाँ पर अभी मैं लेटा हूँ। तो मैंने कहा कि आप ना ऊपर लेट जाओ, कि जिनकी सीट अगर वो आ गए ना आपको फिर उठना पड़ेगा। कही नहीं, मैं तो नीचे लेटूंगी, कोई नहीं आएगा। तो मैं तो ऊपर लेट गया था, एक स्टेशन छोड़ते ही ये आंटी जी आ गई, बड़ा मजा आया। अब दोबारा जा चले गए अपने वही सीट पर जहाँ बैठे थे, और मैं आराम से ऊपर लेटूंगा। मैं दिखाता हूँ आपको वो कहाँ पर है। ये रहे हमारे गोगा दी, बड़े मजे से आए थे वहां सीट पर सोने के लिए। इन्हें वापिस आना पड़ गया। हाँ भाई, आ गया स्वाद, बड़ा मजा आया। तो हाँ जी गाइस, हम पहुंच गए हमारे अम्बाला कैंट के स्टेशन पर, पर थोड़ा सा ही दूर रह गया, वो वहाँ स्टेशन की लाइट भी जल रही है, तो बस पहुँचने वाले हैं। तो पहुँच गए हैं, तो उतरते हैं फटाफट, और बाकी सब भी उतर रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा जी उतर रहे हैं, तो हमने ताऊ जी को फ़ोन तो कर दिया है, बस वो आ ही रहे हैं अपना ऑटो लेकर, और रात के 1:30 बज गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो बस फटाफट चलते हैं। तो हाँ जी गाइस, जब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, क्योंकि कल रात काफ़ी थक गए थे, 1:30 से 2 बज गए थे ना आते आते, तो बस अभी उठा था, और मुझे याद है कि ब्लॉग भी एंड करना है, और थोड़ी खांसी भी होगी वहाँ पे, कि काफ़ी मौसम का डिफरेंस तो हो ही गया ना। तो आई होप गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो जल्दी मिलते गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।